वेलकम टू द फोरम फॉर ग्लोबल स्टडीज लेटेस्ट पॉडकास्ट। आज ये पॉडकास्ट जो वर्तमान में रिसेंट में चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट ईरान और इसराइल के बीच में, उस विषय को लेकर के हम आए हैं आप लोगों के सामने। और इस विषय पर बोलने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। 36 साल का अनुभव है, 36 ईयर्स सेना का अनुभव है, जो देश की आर्मी में अपनी सेवाएँ दी हैं और देश और विदेश के विभिन्न मुद्दों पर, स्पेशली अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक अच्छी समझ रखते हैं। टीवी चैनलों पर एज ए फॉरेन अफेयर्स, एज ए डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में हमेशा दिखते हैं। तो मुझे लगा कि इस ईरान और इसराइल कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, जो एक तरह से टेंशन चल रहा है, उस विषय पर सबसे अच्छी और बेबाक और वैज्ञानिक, साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव तरीके से राय रखने वाले हमारे आज के गेस्ट, हमारे आज के मेहमान हैं मेजर जनरल संजय सोई सर। धन्यवाद बहुत बहुत डॉक्टर संदीप, बहुत खुशी है कि आज मैं अपने ही फोरम फॉर ग्लोबल स्टडीज, जहाँ का मैं हिस्सा हूँ, जहाँ से मुझे बहुत सीखने का मौका मिलता है, वहाँ पर आप लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है। साथियों, ये भी एक जानकारी आपको दे दें कि हमारे फोरम फॉर ग्लोबल स्टडीज में सर की भूमिका एज एडवाइजर की है, सलाहकार की है। समय समय पर सर का हमें गाइडेंस और दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। आज हम आपके सामने अपने खास मेहमान मेजर जनरल सोई सर के साथ एक खास विषय पर, एक ऐसा विषय है जो सिर्फ इजराइल और ईरान का विषय नहीं है, ये विषय महज रीजनल सिक्योरिटी का नहीं है, ये विषय मिडिल ईस्ट का नहीं है, ये विषय भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय जब ईरान हमारा एक प्रॉक्सिमिटी है, एक हमारा एक जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, एक्सटेंडेड नेबरहुड में आता है ईरान, और पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे वेस्ट एशिया में भारत के अपने हित हैं, भारत का बहुत बड़ा स्टेक है, वो चाहे एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के हो, चाहे मैरिटाइम सिक्योरिटी को लेकर हो, या फूड सिक्योरिटी को लेकर हो, और एक ट्रेडिशनली भी बहुत बड़ा अहम हिस्सा रहा है। पारंपरिक दृष्टि से, परंपरागत दृष्टि से ये वेस्ट एशिया भारत का बहुत ही बड़ा अहम साझेदार रहा हो। यदि हम एनर्जी सिक्योरिटी को छोड़ भी दें तो सांस्कृतिक दृष्टि से, सॉफ्ट पावर की दृष्टि से भी ये रीजन एक अहम रोल प्ले करता है भारत की विदेश नीति में। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल सोई सर हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे इस बात को लेकर के है, दुनिया इसी बात पर चर्चा कर रही है, चारों तरफ इसी बात पर चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से ईरान ने एक ड्रोन अटैक किया है इसराइल पर, और ये जो ड्रोन अटैक है, ये कहा जाता है कि रिटेलिएशन था इसराइल ईरान का, जब इसराइल ने ईरान के दूतावास सीरिया पर अटैक किया था 1 अप्रैल को। तो आपको क्या लगता है कि सचमुच ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर ले जा रहा है दुनिया को, या फिर ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, ये ग्लोबल कहना अतिशयोक्ति होगी? देखिए संदीप जी, ऐसा है कि जिस प्रकार से माहौल है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ईरान और इसराइल की दुश्मनी बड़ी पुरानी है। इसराइल नहीं चाहता कि ईरान ताकतवर हो, और ईरान चाहता है कि इसराइल का नाम जो है दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए। पहले भी जब भी ईरान थोड़ा सा ताकतवर हुआ या कभी भी उन्होंने अपनी न्यूक्लियर पावर बढ़ाई, तो इसराइल ने कभी उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम में वायरस डाले, कभी उनके साइंटिस्ट को मार दिया गया, या कभी अमेरिका ने उनके जनरल सुलेमानी को मार दिया था 2020 में। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इनकी आपस में चलती रहती है झड़प, और इस तरह से बातचीत होती रहती है। तो यहाँ पर अभी ईरान ने, एक समझिए कि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ, वो हमला हमास का नाम मान के, मैं ये मानता हूँ कि ये हमला ईरान वर्सेस इसराइल चल रहा है, क्योंकि ईरान अभी इस्तेमाल कर रहा है अपने प्रॉक्सीज का, हमास, हिजबुल्ला, हूती, ये तीनों ईरान की विचारधारा से प्रेरित हैं, उनके द्वारा ट्रेन किए गए, उनकी आइडियोलॉजी को समझते हैं, जो इनकी कर्ड फोर्स है वो कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करती है और ट्रेन करती है और डायरेक्ट करती है। हालांकि ये काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, लेकिन ईरान से। तो ये जब हमले चल रहे थे और इसराइल को एक तरह से सर्वाइवल की बात आ गई, इसराइल की साख पर बहुत बड़ी चोट पहुंची जो 7 अक्टूबर का हमला हुआ था, कि जो इसराइल बहुत ताकतवर माना जाता था, अपनी इंटेलिजेंस के ताकत को मानते थे, उसके लोग मानते थे, वहाँ पर बहुत बड़ी चोट पहुंची। तो अब
लड़ाई चल रही है उसके हाथ से, गाजा का ऑपरेशन हम सब जानते हैं किस तरह से। तो यहाँ पर अभी जो है इसराइल ने 1 अप्रैल को जो आप जैसा बता रहे थे दमस्कस में हमला किया एम्बेसी के काउंसलेट पर, जहाँ पर उनकी एक मीटिंग हो रही थी दो जनरल से, जो कड्स के पुराने जनरल रहे हैं, कई ब्रिगेडियर काफ़ी ऑफिसर्स मारे गए जो कि फॉरेन में उनकी जो ऑपरेशंस हैं उनको संचालित करते थे। यहाँ ईरान ने इसको सोचा कि भाई ये तो मेरी टेरिटरी पे हमला है, एम्बेसी पे हमला, वियना कन्वेंशन के खिलाफ है और मेरी टेरिटरी पे हमला है, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ी बेइज्जती है। और सेना को कैसे मुंह दिखाएंगे, सेना के अगर पुराने जनरल्स मारे गए तो कहीं ना कहीं जवाब तो देना है, जनता को क्या मुँह दिखाएंगे। तो ईरान ने कुछ तो करना था, तो यहाँ पर वो खुल के भी सामने आए। हालांकि ये ऑप्शन था कि वह हिजबुल्ला हूथी को और चढ़ा दे और उनसे हमला करा दे, लेकिन खुद कुछ करके दिखाने का बड़ा जरूरी था। तब उन्होंने वो ड्रोन्स के तो 300 से ज़्यादा ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स के द्वारा हमला किया, लेकिन इसराइल तैयार था, साथ ही साथ अमेरिका और बाकी नेटो कंट्रीज़ भी पूरी नज़र रखे हुए थे कि कुछ तो करेगा, वो पूरी सैटेलाइट के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा नज़र रखी हुई थी। तो जैसे ही वो आए और वहाँ पर तकरीबन 1300-1400 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता है सीमा टू सीमा, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है, दो देशों के ऊपर से उड़ के आना है, सीरिया जॉर्डन, जहाँ पर कि अमेरिका की बेसिस हैं, जब आए तो आधे 90% रास्ते में ही मार गिराए गए। तो एक तरह से हमला ये देखा जाए तो फेल ही समझिए, लेकिन ईरान ने अपनी जनता के लिए ये कर दिया भाई मैंने किया हमला और मैंने इनके एयर बेसिस को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। अब इसराइल ने कुछ करना था, नेतन्याहू की सिचुएशन इस समय बड़ी ख़राब है, इसराइल में पॉलिटिकल सर्वाइवल का क्वेश्चन चल रहा है, और साथ ही साथ वहाँ हमले जो है उन्होंने अमेरिका ने, यू ने, नेटो ने काफ़ी प्रेशर डाला कि आप रहने दीजिए मत कीजिए, क्योंकि एक हमला हमने नाकाम कर दिया है, पर कुछ ना कुछ करना था उसने। अब नेतन्याहू है, उसकी सोच अलग है, वो सुनता नहीं। तो वहाँ पर इन्होंने फिर कुछ हमला किया है, जो दो चीज़ें इसकी मैं मानता हूँ, एक तो अपनी जनता को सेटिस्फाई करने के लिए, दूसरा ईरान को एक मैसेज है कि भैया आपका एयर डिफेंस इतना मजबूत नहीं है, आपका एयर डिफेंस को भेद के कभी भी आ सकते हैं, आपको बर्बाद कर सकते हैं, कहीं भी चाहे आपकी न्यूक्लियर साइट हो, एयरपोर्ट हो, कहीं भी हो, वहाँ पर हम आपको बर्बाद कर सकते हैं। तो ये जो है एक तरह से रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन जब हम देखते हैं, जैसा आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि क्या ये रीजनल है, क्या ये ग्लोबल बन सकता है, क्या ये और फैल सकता है, तो अभी जो सिचुएशन है कि वहाँ पर हालात ये है कि ईरान ने भी ये कह दिया था कि मैंने भी हमला कर दिया, मैं और हमले नहीं करूँगा अगर इसराइल हमला नहीं करता। इसराइल जो ने हमला किया, इसराइल ने कुछ नहीं बोला कि हमने किया किसने किया, वो शांत बैठे, कहीं क्लेम नहीं कर रहे वो, और ईरान भी उसके बारे में कोई बातचीत ज़्यादा नहीं कर रहा, कुछ न्यूज़ में कहीं कुछ नहीं आ रहा कि हमारे ऊपर हमला हुआ, वो कह रहे 2-3 ड्रोन आए थे, कहाँ से आए, कुछ आए, मार गिराया गया। तो मुझे ही अब ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा शांत करने का इशू है, क्योंकि अमेरिका और नेटो नहीं चाहते कि युद्ध और फैले, जैसा आप बताते ना एनर्जी सिक्योरिटी वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरह तो रेड सी का हम जानते हैं, हूती ने किस तरह से पूरे दुनिया की हालत ख़राब कर रखी है, पूरे कंटेनर 6,500 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के आ रहे हैं, यहाँ पर अगर वो पर्शियन गल्फ़ को ब्लॉक कर देता है ईरान, तो समझिए सऊदी अरेबिया और इराक से तेल आने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और पूरी दुनिया खासतौर से एशिया और यहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, रेट बहुत बढ़ जाएंगे, इकॉनमी की पहली हालत ख़राब है। तो ये सब देखते हुए ये नहीं चाहते कि युद्ध आगे बढ़े, अभी तक मुझे ये लगता नहीं कि युद्ध आगे बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ और है कि अभी इनका डेलीगेशन गया था S-400 लेने के लिए रशिया, 17 लोगों का ईरान का डेलीगेशन मार्च में गया था, क्योंकि ईरान समझता है कि मैं कुछ करूँगा तो मेरा एयर डिफेंस कमज़ोर है, उनकी एयरफोर्स भी कमज़ोर है, एयर डिफेंस भी कमज़ोर है, उनके पुराने एयर डिफेंस सिस्टम है, S-300 है, उनके बावर हैं, उनके तोर हैं, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस, मीडियम डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस है, पूरा सिस्टम लगाया हुआ है, लेकिन मॉडर्न नहीं है जी। अगर इसराइल का F-35 आते हैं तो वो कोई कुछ नहीं कर सकता, खुद के आके अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेना के जो है यही कारण है कि वो गए, और S-400 अगर मिलता है तो बहुत ज़बरदस्त इनकी पंप आ जाएगा, बड़ी ज़बरदस्त ताकत में इजाफा हो जाएगा, और एक चैलेंज मिल जाएगा इसराइल की एयरफोर्स को और उनकी मिसाइल्स को कि वो खुल के हमला ना कर सके। तो लेकिन
अभी क्या रशिया अभी दे पाएगा इसको, जबकि खुद उसकी हालत वहाँ भी यूक्रेन के साथ मिला हुआ है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन रशिया चाहेगा कि मदद करे, क्योंकि ईरान ने जब रशिया की सिचुएशन टाइट थी तब उनको शाहीन ड्रोन दिए, जिससे एक बड़ा बैलेंस टिल्ट हुआ था रशिया के फेवर में, क्योंकि यूक्रेन ने ड्रोन वॉरफेयर शुरू कर दिया था, ड्रोन के द्वारा नुकसान कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं रशिया भी चाहेगा कि मैं उसको रीपे करूं, और ये दुनिया के जो दो ग्रुप बन रहे हैं, अमेरिका इसराइल और नेटो, और दूसरी तरफ रशिया चाइना और ईरान, तो ये कहीं ना कहीं दो ग्रुपों में आपस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट दी जा रही है। थैंक यू सो मच। आपका जो ये एनालिसिस है ये हमारे ऑडियंस को इस बात को समझने में एक सहायता मिलेगी कि दरअसल इजराइल और ईरान का जो सवाल है ये अस्मिता और अस्तित्व का सवाल है। दोनों अपनी अस्मिता और अस्तित्व को लड़ने से एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी कहते हैं। सर आपसे इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल ये है कि ईरान को अपने अस्तित्व मतलब कि जब हम देखते हैं कि जब गाजा पर अटैक हो रहे थे और ईरान कंटिन्यू चैलेंज कर रहा था अपने प्रॉक्सी वार के थ्रू, हमने देखा कि यमन हो या सीरिया हो या इराक हो या लेबनान हो, चारों देशों से मतलब एक तरह से शील्ड कर रहा था इसराइल को। इसराइल का भी एक अपना अस्तित्व का सवाल है, जहाँ लीडरशिप के भी अस्तित्व का सवाल है, देश के भी अस्तित्व का सवाल है। और इसीलिए हमने देखा कि अभी जब यूएस कोशिश किए टोन डाउन करने के नेतन्याहू को, तो वो माने नहीं, सुने नहीं, उन्होंने कहा कि हमें अपना राइट क्या, हमें सही क्या गलत है समझ। तो आपको क्या लगता है कि जो ये जो ग्रुपिंग्स है, ग्लोबल ग्रुपिंग्स है, चाइना रशिया और ईरान, यमन सीरिया लेबनान, ठीक है इराक एक ग्रुपिंग्स इधर, और दूसरे ग्रुपिंग्स हम बहुत क्लियर है, इवन जॉर्डन भी बहुत ही साइलेंट है, मोर और लेस अमरीका की तरफ है, अमरीका हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, हम देखते हैं। तो एक पूरा जो ग्रुपिंग से ये पोस्चरिंग है, या कहीं ऐसा लगता है कि ये जो एस्केलेशन है ये कहीं ना कहीं वॉर में चेंज हो जाए, थर्ड वर्ल्ड वॉर में चेंज हो जाए। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि एक तरह से आग लगी हो सिमर कर रही है, कहीं भड़क सकती है, ज़्यादा तेज ना हो जाए। जैसा आप कह रहे थे सही कह रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट में अभी धीरे धीरे क्या हुआ है, कुछ समय से अमेरिका ने अपना प्रभाव काफ़ी बढ़ा दिया, चाहे सऊदी अरेबिया हो गया, कतार हो गया, बहरीन हो गया, जॉर्डन हो गया, इसके अलावा सीरिया और इराक में, जबकि रशिया और ईरान समर्थित सरकार हैं लेकिन अमेरिका की बेसिस भी वहाँ पर है, तो इनकी बेसिस हैं और वो कंट्रोल कर रहे हैं इन पूरे इलाके को एक तरह, और इसराइल तो उनका साथी रहा ही है, जिसके लिए वो वचनबद्ध है कि इसराइल की हमने रक्षा करनी, आज नहीं जब भी कभी युद्ध हुए, पहले कभी भी लड़ाई तो अमेरिका खुल के साथ। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो दो ग्रुप बढ़ गए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रुप्स में पहले ही लड़ाई चल रही है। आप देखिए सीरिया में लगातार कुछ ना कुछ युद्ध की सिचुएशन बनी हुई है, कभी वो अमेरिका की बेसिस पर हमला करते हैं, अमेरिका उनकी बेसिस पर हमला करते हैं, इराक में ये चल रहा है, लेबनान की हम हालत देख रहे हैं क्या है, और आप जैसे बता रहे थे कि बिल्कुल यमन से, हिजबुल्ला से, हमास से, इनके द्वारा इसराइल के ऊपर अटैक करने की कोशिश की जा रही है, सीरिया से कई बार प्रयत्न किया इसराइल ने बीच में, कई बार पिछले 5-6 महीने में 7 अक्टूबर को कई बार सीरिया में उन्होंने अटैक किया, उनके एयरपोर्ट वगैरह को डिस्ट्रॉय काफ़ी डैमेज किया। तो इसराइल का तो सर्वाइवल का सवाल है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, कोई मित्र नहीं है उसका वहाँ पर, तो इसराइल के लिए तो इसीलिए आप देखिए वहाँ का एक एक नागरिक लड़ने के लिए तैयार है और लड़ रहे हैं। और यहाँ पर ईरान क्यों कर रहा है, जैसा मैंने बताया था कि जब भी ईरान एक ही ऐसा देश है जो आज अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खड़ा है, बाकी सीरिया और इराक वगैरह भी कोई ताकत नहीं रहेगी, इनमें आपस में ही अंदर इतने झगड़े हैं कि कौन गवर्नमेंट कितने हिस्से में, सरकार किसकी है, असद कितने हिस्से में सरकार चला रहा है, कितने हिस्से में उसके रेबल चला रहे हैं, वो सब कहानी है। तो एक ईरान ही ऐसा देश है जो एक कंसोलिडेटेड देश है, जो एक चैलेंज बन के उभर रहा है बार बार अमेरिका और इसराइल, तो इसी कारण ये इसको कहीं ना कहीं इसकी ताकत को बार बार कम करने की कोशिश करते रहते हैं। जब भी जैसे मैंने बताया था न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ बढ़ता है, कुछ ताकत बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके उसको पीछे कर देते हैं। अभी भी खबर ये आई है, ये कि खबर है कि बहुत करीब हैं ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेते हैं तो मिडिल ईस्ट का जो डायनेमिक्स है बहुत बदली हो जाएगा। न्यूक्लियर बॉम्ब जो है डेटरेंस की तरह है, फिर ये चार बार सोचेंगे भैया ईरान के ऊपर हमला करें या ना करें, क्योंकि बहुत ताकत, बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए उस स्टेज तक जाने नहीं देना चाह रहे। तो
तो बात सही है कि अगर ये थोड़ा बहुत अभी फिर ईरान रिटेलिएट कर रहे हैं और इसराइल फिर रिटेलिएट कर रहे हैं तो युद्ध आगे बढ़ने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि रशिया भी और चाइना शायद खुल के इतना ना करे, लेकिन रशिया काफ़ी हद तक खुल के सपोर्ट देने की कोशिश करेगा, चाइना इनडायरेक्ट सपोर्ट देता रहेगा, और इधर से अमेरिका ने अपने एडिशनल ट्रूप्स पहले ही भेज दिए हैं, नेवी के आइजनहोवर वगैरह वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए हैं, जहाँ जहाँ इनकी बेसिस है वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत कर दिए हैं, तो तैयारी पूरी है, एकदम माहौल गर्म है, बस कोशिश यही है कि ना हो पूरी दुनिया के लिए अच्छा रहे। दूसरा नेक्स्ट आपसे अगला सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत के परिप्रेक्ष्य में। सोई सर ये बताइए, आपसे जानना चाहेंगे कि स्पेशली हमारे दर्शक जो हैं वो समझना चाहते हैं एक एनर्जी डायनेमिक्स को लेकर के। जब भारत की बात आती है मिडिल ईस्ट को लेकर के, तो मिडिल ईस्ट में जब भी थोड़ा उथल पुथल होता है तो भारत चिंतित होता है, और चिंतित होने के उसके कारण ये भी हैं क्योंकि हमारे जो एनर्जी है, हमने बताया कि भारत हिंदुस्तान दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है, और 85% अपनी रिक्वायरमेंट हम पूरा इसी वेस्ट एशिया से, मिडिल ईस्ट से लेते हैं। उस समय इस रीजन का डिस्टेबलाइज होना, अनस्टेबल होना हमारे एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के एक बहुत बड़ा थ्रेट है। कैसे ओवरकम करें, कैसे इसको, इस बात को कैसे समझें, भारत कैसे निकले इस सिचुएशन से बाहर? नहीं बिल्कुल, आप देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि आज जो सिचुएशन है कि भारत का इसराइल के साथ भी अच्छे संबंध है, भारत के ईरान के साथ भी अच्छे संबंध है, जबकि पूरी सेंक्शन वगैरह के बाद भी हमने उनके साथ अच्छे संबंध रखे हैं। इसका एक नतीजा आप देखिए कि जो शिप पकड़ा था, एक महिला तो छोड़ के आ भी गई है और बाकी भी छूट के आ जाएंगे, चाहे कतार से हमने रिलीज़ करवा लिए हैं अपने नेवी वाले, हमारा सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ एक अलग लेवल के संबंध बन चुके हैं, जो कि वाकई में मैं ये कहूँगा कि हमारी डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी ताकत बन के आए हैं कि हमने पूरे मिडल ईस्ट में एक अलग पहचान बना ली, अलग दोस्ती बना ली, क्योंकि एक एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। आज हालांकि अब देखिए रशिया के ऊपर सेंक्शन था, लेकिन इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता रहा, गैस इंपोर्ट करते रहे और चाहे उसका एक्सपोर्ट भी किया, लेकिन आज भी रशिया हमारे एक तरह से थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर बन गया अभी भी, लेकिन सऊदी अरेबिया और इराक के ऊपर हमारी काफ़ी डिपेंडेंसी है, ईरान से भी लेते थे हम बहुत ऑयल लेते थे, अभी थोड़ा सा सेंक्शन करके इनडायरेक्ट वे में आ रहा है। तो ये बात देखते हुए अगर ये युद्ध बढ़ता है तो जो पर्शियन गल्फ को अगर ये ब्लॉक करते हैं तो इंडिया के लिए बहुत चिंता का सबब बन जाएगा, और वाकई में हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसका क्या जवाब होगा, हालांकि भारत के लिए नहीं, और भी बहुत से देश हैं, चाइना है, जापान है, वेस्ट के भी देश हैं, यही कारण है कि लोग नहीं चाहते हैं कि युद्ध आगे बढ़े, और भारत ने बार बार ये बोला है कि इसको बातचीत से सुलझा जाए, और हमारी ये पॉलिसी भी ये रही है कि ये ज़माना युद्ध का ज़माना नहीं है, कहीं ना कहीं लोगों को बातचीत और डिप्लोमेटिक तरीके से हमें समझाना चाहिए, और भारत दोनों पक्षों के साथ मिलके कोशिश यही रहेगी कि ये हो, लेकिन अभी इस हालत में है तो कितनी बात कौन सुनेगा नहीं सुनेगा ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बड़ा धर्म संकट है हिंदुस्तान के सामने। और जब हम इस ईरान इजराइल को देखते हैं सर, तो ये सिचुएशन बहुत डेलिकेट इस कॉन्टेक्स्ट में हो जाती है कि हमारा जो डिपेंडेंसी है इस मिडिल ईस्ट पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कई बार आपके जो विकल्प होते हैं वो अनअवॉइडेबल होते हैं, जैसे कि अभी हम इस बात पर सुन रहे थे, चर्चा भी सुन रहे थे कई विद्वानों की, कि जब इंडिया एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन करती है तो कहीं हम रशिया की तरफ गए, कभी हम लैटिन अमेरिका में गए, कभी अफ्रीकन कंट्रीज में गए, साउथ ईस्ट एशिया में गए, लेकिन ये जो विकल्प है डाइवर्सिफिकेशन है, ये बहुत ही कॉस्ट है, इसके इसके अपने कॉस्ट है। मिडिल ईस्ट का जो विकल्प है वो अनअवॉइडेबल है। तो पहले ही हम इस बात को लेकर, हम रशिया को हमने देखा कि रशिया यूक्रेन के मामले में भारत बहुत ही क्लियर स्टैंड किया रशिया के मामले में, और बहुत ही बैलेंस्ड स्टैंड रखा है, बैलेंस्ड और एसर्टिव टोन होकर बताया कि बिल्कुल वाई रशिया इज सो क्रूशल फॉर इंडिया। बिल्कुल और यहाँ पर तो हमने देखा कि सिचुएशन कुछ अलग है। इजराइल इज द बेस्ट डिफेंस पार्टनर, ईरान एंड अदर कंट्रीज इज द बेस्ट एनर्जी पार्टनर, दोनों डिफेंस एनर्जी का पार्टनरशिप इंडिया के साथ है। यदि एस्केलेट होता है आगे, इस तरीके का चैलेंज और आगे जाते हैं, तो
तो भारत की भूमिका क्या होगी उस समय जब पूरी दुनिया भारत को स्टेबलाइजर के रूप में देखती है? बिल्कुल, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत भी पूरी कोशिश कर रहा है, चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं या प्रधानमंत्री हैं, यहाँ कहने की कोशिश हो रही है कि दोनों के बीच में एक स्टेबिलिटी रहे, शांति रहे और एक लेवल के आगे ना बढ़े। और यही बात भी पूरी दुनिया को भारत भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि युद्ध दोनों को एक डिप्लोमेटिक तरीके से, बातचीत से हल करें, क्योंकि आप देखिए जब गाजा के साथ युद्ध है तो भारत ने इसराइल का साथ दिया कि वो टेररिस्ट अटैक था, हमास के खिलाफ थे, लेकिन हमने पैलेस्टीनियंस की भी मदद कर रहे हैं, पैलेस्टीनियंस के खिलाफ नहीं, उनके साथ हमारे आज़ादी के बाद से संबंध बने हुए हैं, सबसे पहले भारत ने रिकग्निशन दिया था पैलेस्टीनियंस को, तो ये उनके साथ भी हमारे संबंध अच्छे आज भी रखे हुए हमने, एक उनके साथ रिलेशनशिप है, पीएलओ के साथ रिलेशनशिप है, तो यही बात वहाँ पे ईरान भी देख रहा है कि हमने पैलेस्टीनियंस के खिलाफ नहीं गए, एक बार भी एक शब्द नहीं बोला, उनको राशन वाशन की मदद भी दी, तो यही कारण है कि हमारे ईरान के साथ संबंध है जो आज हमने उसके एग्जाम्पल्स भी देख रहे हैं, और साथ ही साथ इसराइल के साथ हैं, उनके साथ हमारे डिफेंस के, एग्रीकल्चर है, टेक्निकल फील्ड में हमारे उनके साथ संबंध है, तो भारत तो कोशिश यही कर रहा है कि युद्ध आगे ना बढ़े और दोनों के डिस्टेंस इतने हैं, और मुझे भी ये लग रहा है कि भारत के प्रयत्न और दुनिया के प्रयत्नों से ये युद्ध आगे दोनों के बीच में नहीं बढ़ेगा, एक प्रॉक्सी युद्ध जिसको कहते हैं छदम युद्ध चलता रहेगा, हमास, हिजबुल्ला, हूती, वो ठीक है वो चलता रहेगा, वो अभी उनकी अपनी डायनामिक्स है, उसमें बहुत ज़्यादा उसमें भी भारत कोशिश कर रहा है कि सीज फायर हो, बंद हो, शांति हो, क्योंकि जिस प्रकार से गाजा में 1000 लोग मारे जा चुके हैं तो भारत कोशिश कर रहा है वहाँ पर भी कि सीज फायर हो, तो ये प्रयत्न है, जारी है बिल्कुल हमारा। तो साथियों ये है मेजर जनरल सोइसर का एनालिसिस, विश्लेषण, कि भारत की कोशिश यही रहेगी कि ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, टेंशन चल रहा है, इसको डी एस्केलेट किया जाए, इस तनाव को कम किया जाए, क्योंकि ये न सिर्फ रीजनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है बल्कि डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से भारत के हितों पर एक बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए भारत की कोशिश ये होगी कि इस पूरा का पूरा जो टेंशन है इसको कैसे डिफ्यूज किया जाए, डी एस्केलेट किया जाए, और हमारी डिप्लोमेसी और जिस बात पर जोर देती है कि डायलॉग ही एक मैकेनिज्म है किसी भी फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट को डिफ्यूज करने में, और जैसा कि ये भी सोइसर ने इस बात को जोर दिए कि भारत, दुनिया भारत को देखती है, इस तरह के जब क्राइसिस सामने आते हैं कि भारत की एक ऐतिहासिक भी एक भूमिका रही है, ऐतिहासिक ऐसा क्रेडेंशियल रहा है, हिस्टोरिकल क्रेडेंशियल रहा है कि जब क्राइसिस आई हमने रशिया यूक्रेन में देखा कि भारत, दोनों लीडरशिप भारत की तरफ देखती है, दुनिया में किसी भी देश के पास वो लेजिटिमेसी नहीं है जो भारत के पास लेजिटिमेसी है, और वो लेजिटिमेसी ये है कि हम हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि डिस्क्रेट न हो और किसी भी जो कन्फ्लिक्ट उसका जो सोल्यूशन हो वो डायलॉग हो, और कोई रास्ता नहीं है, यदि एक वार होता है तो ये वार दूसरे वॉर को भी जन्म दे सकता है, इसलिए हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर सेकंड वर्ल्ड वॉर है। तो मुझे नहीं लगता जैसे सर का विश्लेषण है ये हम ये निष्कर्ष इस पर पहुंच सकते हैं कि ये पोस्चरिंग होगी अपने एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी को आगे बढ़ाने के लिए, अस्तित्व और अस्मिता को बचाने के लिए ये पोस्चरिंग चलती रहेगी। लेकिन सर जैसे आपका विश्लेषण रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये वॉर में कोई रियल बहुत बड़े थर्ड वर्ल्ड वॉर में चेंज होगा। नहीं बिल्कुल, आपकी मैं एक बात में और जोड़ना चाहूँगा, सारी दुनिया जो आपने बात बहुत बड़ी बात कही कि भारत की तरफ देख रही, चाहे वो वैक्सीन हो जी, चाहे वो हमारे कहीं भी किसी भी देश को जी, चाहे उसके हमारे साथ संबंध अच्छे हो या खराब हो, अगर उसके यहाँ इमरजेंसी है, टर्की के यहाँ जब प्रॉब्लम आई थी तो भारत ने अपनी NDRF भेज दी, हालांकि टर्की कितने खिलाफ बोल रहा था भारत, तो एक हमारी सोच को दुनिया समझ रही है, रशिया यूक्रेन हो गया, गाजा पैलेस्टीन के साथ हो गया, दुनिया समझ रही है, यही कारण है, एक इज्जत है अलग। और जो आप सही कह रहे हैं कि जो युद्ध आगे नहीं बढ़ेगा, मुझे यही लग रहा है कि युद्ध चलता रहेगा, प्रॉक्सी वॉर चलती रहेगी कुछ और समय, हालांकि दुनिया के सभी देश कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी बंद किया जाए और कहीं ना कहीं एक फैसला किया जाए, लेकिन ईरान और इसराइल के बीच में शायद अभी और बॉक्सिंग मैच ना हो, इसराइल के पास लेकिन एक अभी भी जिसको कहते हैं कि ट्रंप का कार्ड है, इक्का है उसके बाद कि भाई तुमने हमला किया हुआ है, मैंने अभी हल्का सा हमला किया, अभी भी मैं कर सकता हूँ, तो कहीं भी अगर थोड़ी सी राहत मिली, हो सकता है, समय देखा जाएगा कि
ईरान की जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट है उसको किस प्रकार से न्यूट्रलाइज करते हैं वो कहने की कोशिश रहेगी, ये मेरा मानना है। सो ये सर का अपना एनालिसिस ऑब्जर्वेशन है और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को इस कॉम्प्लेक्स इशू को समझने में बहुत सहायता मिलेगी भविष्य में। और ये जो पूरा पूरा युद्ध चल रहा है और जिस तरीके की इसके युद्ध को लेकर के मॉन्गरिंग्स भी होती है, बट सच्चाई यही है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की कोई सीन नहीं बनेगी। दुनिया समझती है इकोनॉमिक जो बर्डन बहुत बड़ा होता है, ऑलरेडी सप्लाई चेन डिसरप्शन पूरी तरह से ध्वस्त है दुनिया का रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, तो ना अमेरिका चाहेगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो, ना ही रूस और चाइना चाहेंगे थर्ड वर्ल्ड वॉर हो। रूस कभी नहीं चाहेगा कि ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व हो क्योंकि ऑलरेडी वो अपने एक फ्रंट में लड़ रहा है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ये वॉर में पूरा फुल फ्लेज वॉर में हो क्योंकि ऑलरेडी नाटो की सेना यूक्रेन में लगी हुई है। तो पूरी तरह से युद्ध से एक फटीग वॉर दुनिया झेल रही है और उस पोजिशन में दोनों जो सुपर पावर्स हैं, जो ग्रेट गेम खेलने वाले पावर्स हैं, वो दोनों बहुत संयम बरतने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे लगता है इन सब के बीच में जो भारत की अपील है डायलॉग की, वो बहुत बड़ी काम आएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।